तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल गेमर YT। तो यार, जो भी चैनल पे न्यू हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि यार ऐसी मज़ेदार मज़ेदार एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट की भाई आप तक वीडियोस पहुंचती रहे। भाई आज मैं एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट के अंदर भाई एक न्यू ब्लॉक आया है भाई, उसका अब मैं घर पूरा बनाने वाला हूँ भाई। बहुत अच्छा घर बनने वाला है। मेरा घोड़ा भी आ गया था, जल्दी से अपने घोड़े के तरफ चलते हैं। और भाई आप, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कहाँ जो मैं अपना घर बनाने वाला हूँ। और भाई घर जो है बहुत अच्छा बनने वाला है यार। अगर आपको भाई घर पसंद आता है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई ये जो जगह सोची है मैंने, भाई ये सामने आपको नजर आ रही होगी, यहाँ से भाई मैं सारी जो है ये घास फूस ये सब हटा देता हूँ, उसके बाद भाई अपना जो है घर बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो भाई लोग फाइनली यार मैंने जो है सारे के सारे भाई घास फूस जो है हटा दिए और भाई मुझे जो है 10x10 का जो है अपना घर बनाना है। मतलब जो बेस होगी वो मेरी 10x10 की बनेगी और भाई उसके बाद जो इसके ऊपर भाई 4 ब्लॉक्स के जो है पिलर्स खड़े होंगे और भाई पिलर्स खड़े होके भाई वो चारों तरफ से मिल जाएंगे। तो यार ये सब चीजें जो मैंने बताई है ये करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। 2 hours later. तो भाई लोग फाइनली यार मैंने चारों के चारों प्लस खड़े कर दिए थे और भाई ऊपर ऊपर से इनको भाई पूरा ज्वाइन कर दिया था। भाई 2 लेयर्स से ज्वाइन किया था मैं, वरना तो मैं 1 लेयर से ज्वाइन करता हूँ। इस बार भाई मैंने 2 लेयर्स से ज्वाइन करा है ताकि भाई आपको जो है देखने में आसानी लगे। और भाई एक ब्लॉक गलत ब्लॉक लग गया था भाई, इसको भी मैंने हटा दिया। और भाई ये जो हमारा गेट का रास्ता हो गया और भाई यहाँ पे मुझे 2 ब्लॉक लगाने और भाई दूसरी साइड जो भाई मुझे 2 ब्लॉक लगाने और भाई बीच का जो हिस्सा होगा वो भाई मेरी विंडो के लिए छूट जाएगा। जैसे भाई मैंने विलेज के अंदर अपने घर बनाया वैसे ही भाई मैं इसके अंदर बनाना चाह रहा हूँ। यार जो भी पहले वाले व्यूवर्स होंगे भाई उनको तो पता चल गया होगा कि भाई मैं कैसे बना रहा हूँ। भाई 2 ब्लॉक इस साइड लगाएंगे, मतलब 4 ब्लॉक इस साइड लगाएंगे और भाई 4 ब्लॉक इस साइड लगाएंगे और भाई बीच का जितना भी हिस्सा है वो सारा भाई हमारे विंडोज के लिए छूट जाएगा। और भाई विंडो भी आपको बताता हूँ कि भाई आपको जो है क्या लगाना चाहिए भाई विंडो के अंदर, भाई देखने में भी अच्छा लगेगा। यार जल्दी से अभी रात भी हो गई है, यार जल्दी से अभी अपना काम निपटाते हैं। यार एक गलत ब्लॉक लग गया था, ये भी भाई पूरा सही हो गया। और भाई एक ब्लॉक जो है हमें बाहर निकालना है, जो भाई हमारे जो है विलेज की जो है विलेज जो हाउस होते हैं भाई उनकी जो फीलिंग्स होती है भाई एक लेयर्स जो है बाहर निकली हुई होती है ब्लॉक की। यार जल्दी से वो पूरा सिस्टम करते हैं भाई, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। तो भाई लोग फाइनली यार मेरा जो है घर पूरा भाई इसका जो है स्ट्रक्चर बन चुका है। अभी भाई मैं ऊपर चलता हूँ, भाई ऊपर चल के भाई आपको बताता हूँ कि भाई इसका जो है रूफ कैसे बनेगा, जो भाई विलेज पूरी टाइप होती है भाई, जो विलेज के जो जैसे भी हाउस बने हुए होते हैं भाई उसके टाइप का कैसे जो है इसका रूफ बनेगा आपको पूरा भाई उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा बना के भाई के ये कैसे बनते हैं। यार देखते रहो यार आपके कैसे बन रही है। और भाई ये जो मैंने एक ब्लॉक लगाया आपको भी भाई ऐसे ही ब्लॉक लगाना है और भाई इसका शेप ऐसा होगा कि भाई जैसा जो है 3 ब्लॉक्स नीचे होंगे भाई उसके ऊपर भाई 2 ब्लॉक्स होंगे भाई उसके ऊपर जो है 1 ब्लॉक होगा। ऐसे भाई उल्टी जो कौन होती है ऐसी भाई शेप होने वाली है इसकी, बिल्कुल ट्रायंगल जैसी शेप होने वाली है। जैसे भाई ट्रायंगल नीचे से मोटा होता है और भाई ऊपर से पतला होता जाता है, ऐसा भाई इसका स्ट्रक्चर समझ में आ। अगर आपको समझ में नहीं आया अभी तक तो यार मेरी अभी गलती नहीं है ना यार, आपको समझ में नहीं आया अभी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो भाई आप वीडियो देखते रहो यार, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। यार जैसे मैं ब्लॉक्स लगा रहा हूँ ऐसे ही लगाना यार, जैसे मैं अभी देखो मैंने पे ब्लॉक लगाया, एक नीचे ब्लॉक लगाया और भाई इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा दी। इसकी मदद से भाई मैं ऊपर ब्लॉक्स पूरे चारों तरफ लगा सकता हूँ, वरना तो भाई ऐसे में बिना उसके भाई नहीं लगा सकता। तो यार ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर पूरा बनाते हैं भाई पूरा गोल सा और भाई उसके बाद एंड में आपको मिलते हैं। 2 hours later. तो भाई लोग फाइनली यार ऊपर का भी स्ट्रक्चर बन गया था और भाई मैं सारी के सारी चीजें लेके आ गया, भाई ग्लासेस और भाई डोर सब कुछ लेके आ गया और भाई टॉर्चेस भी लेके आया हूँ, जिससे भाई हम अपने पूरे घर को भाई रोशन करने वाले हैं। और भाई ये ब्लॉक्स ऐसा है कि भाई रात को इतना पता नहीं चलता कि भाई इस ब्लॉक्स की खासियत क्या है, मगर भाई जब दिन होता तो भाई इसके अंदर भाई एक डिजाइन बन जाता है। डिजाइन भाई बहुत अच्छा डिजाइन है भाई, बाकी ब्लॉक्स के अंदर एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट के अंदर भाई कोई डिजाइन नहीं होता भाई, ये खाली एक वाइट ब्लॉक है जिसके अंदर भाई डिजाइन बना हुआ है। और भाई जब हम टॉर्चेस लगाते तो भाई इसकी जो है पूरा डिजाइन नजर आता है, देखो यार कैसा अच्छा डिजाइन है। और भाई आपको आखिर में बताता हूँ भाई क्या आपको भाई ये ब्लॉक कहाँ से मिलेगा। यार आपको भाई ये ब्लॉक मिलेगा भाई ब्लैक बायोम के अंदर, भाई ब्लैक बायोम के अंदर भाई आप जाओगे तो भाई आपको जो है ये ब्लॉक बीच में ही मिल जाएगा। तो यार मैंने बहुत सारे कलेक्ट किए थे भाई, खाली आपके लिए कलेक्ट किए थे ताकि यार मैं वीडियो बना सकूं आपके लिए और भी आपको बता सकूं कि यार ये ब्लॉक कितने अच्छे। यार अभी जल्दी ये डोर लगा लेते हैं भाई, पूरा आपको लुक बताते हैं यार कि घर बहुत अच्छा कैसे लग रहा है। यार भाई मेरे जो है इस ब्लॉक्स ने यार 4 चांद लगा दिए यार घर पे, बहुत अच्छा जो ये घर लग रहा है। और भाई ब्लैक ब्लॉक और भाई इसका जो है कंपैरिजन करें तो यार ये बहुत बेटर ब्लॉक है और भाई ये
पर्पल टाइप ब्लॉक है, थोड़ा सा पर्पल है ये, और भाई बहुत अच्छा जो है ये ब्लॉक है यार, इसका घर भी बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो यार आज की वीडियो में इतना ही यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करो और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई ऐसी वीडियो देखने के लिए यार बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।